जो भी एलिमेंट पॉसिबल एलिमेंट होते हैं उसका लीजिए।
सारे मतलब ये हाल ही में संभावना है, ठीक है, उसका भी
इसका मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी। कई बार आपको ए या बी मिलता है, इसका मतलब हमने लिखा है ए यूनियन बी। कई बार आपको मिलता है ए एन ए और ऐसे ही हो बी। ये वर्ड के लिए क्या आपको कितना निकालना होता है? यस यस। अब इसके लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्म है, एक ही फॉर्म पड़ा है। अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड ये फॉर्मूला है अगर इवेंट में से वो म्यूचुअल एक्सक्लूड लिखता हो, एक्चुअली आपको वही घटना है, कैसे घटना हो, जब आपको वही घटना होती है उसका ए इंटरसेक्शन बी जो आया वो उसका फाइव आया, क्या आया था? फाइव। तो फाइव किसी का है आ रहा है ए इंटरसेक्शन उसके बाद में जीरो होती है, जीरो। तो अगर कोई इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है आपको पूछा है उसका यूनियन लिखा हुआ था तो हाउ यू फाइंड a union b equals to जाएगा plus b of a plus b of b। ये क्या पढ़ा था? ये आपने दूसरे एक्सप्रेशन में पढ़े थे। यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम कितनी रहेगी? जीरो। कहीं कहीं पर जा रहा union का होगा b of a plus b of b। तो हम लिखेंगे जब इवेंट ऐसे हो mutually exclusive तो बीच में ये भी स्क्वायर भी हो गया होता है स्क्वायर इवेंट, ठीक है ना? या आपने सेट कैसे पढ़ा होगा स्क्वायर इवेंट, ठीक है ना? तो अगर आपके एक्सक्लूसिव मिल गए तो सीधा एक्सक्लूसिव का जो फाइव और प्रोबेबिलिटी का निकलेगी जीरो ऊपर आ से ये फॉर्म का आ गया, ठीक है ना? इसे फॉर्म में हम क्वेश्चन नहीं करते। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे सिंपल सिंपल पढ़ रहे थे, कैसे पता लगे प्रोबेबिलिटी क्या है, टू आ जाएगी क्या है, थ्री आ जाएगी क्या है। अब ये जो पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें दो इवेंट कितने लेंगे? दो। अब चेक करेंगे पहला इवेंट के होने से दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसे हम आपको चेक करना है। जो पहली घटना हो चुकी है अब मैं सेकेंड इवेंट कर रहा हूँ वो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। यहाँ दो घटनाएं चलेंगी हमेशा दो इवेंट चलेंगे और उसको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। पहला हो चुका होगा उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है उससे आप क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का। इस तरह देखो सुना है महा ये भाई बारिश हो रही, क्या हो रहा है? बारिश। बारिश होने के चांस कितने हैं? सुना है कि बारिश होने के चांस कितने हैं? ना इंडिया का कितना मैच है बारिश होने के चांस कितने हैं वो डिपेंड करेगा। मैंने बोला कि आप कंडीशन दे रहे थे कि आपके पास में क्या क्लाउड नहीं है, कैसा है क्लाउड? और एक मैं बोला कि रेन होने के चांस बताओ ब्लू स्मैटिक का क्या पूरा आपका पूरा पी में कैसा है? तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें आएगी? किसमें आएगी? किसमें आएगी? पहला बात बादल हो रहा है क्लाउडी है इसमें हाई चांस है क्या होगी बारिश होगी। इससे मैंने बोला कि आकाश कैसा है? साफ है। इससे प्रोबेबिलिटी क्या है? कम आएगी। तो इंपैक्ट पड़ रहा है पड़ रहा है। अगर ये मैंने कंडीशन देखी थी पहले हो चुका है, पहले क्या होता है बादल आ चुके हैं। अब मैंने बोला कि बारिश होने के चांस क्या है ज्यादा होने के पास। मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? ये भी निकालनी है, इसे निकालनी है, इसमें भी बारिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसके अंदर भी बारिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन कंडीशन आ गई इसमें कैसा है क्लाउडी है इसमें क्या है ब्लू स्काई है। तो दोनों ही डेटा गिवन था उस गिवन डेटा से इसमें क्या पड़ता है इम्पैक्ट पड़ गया और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी चेंज होगी। तो अब आपको ये निकाल रहा है क्वेश्चन में एक डेटा गिवन होगा और एक का प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इसको तो समझते हैं अपने प्रोफेसर आने वाले उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। नाइस से नाइस से सैंपल इसकी सुनो पता क्या होता है नॉट 2 3 4 5 6 ये। अब मेरे पास क्वेश्चन है मेरे वन आने के प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मैंने बोला फाइव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वन आने के कम से चलो फाइव आने के पॉइंट के बाद में यहाँ पे फाइव आने
नहीं प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स। अब इसी क्वेश्चन पर घुमा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव वेन देयर आर ऑलरेडी ऑड नंबर गिवन। इसे बोला है अब निकालो प्रोबेबिलिटी गेटिंग फाइव वेन देयर आर ऑलरेडी ऑड नंबर गिवन है। देखिए आप ये पहली भी इवेंट है वो हो चुकी है, क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है। अब आपको निकालना है कि फाइव आने के चांस कितने हैं जबकि ये पता है कि ऑड नंबर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ऑड इसमें दो इवेंट है, ई एक इवेंट ले लिया है गेटिंग फाइव, चलिए गेटिंग पांच आने के चांस है। एफ एक इवेंट ले लिया गेटिंग ऑड नंबर, ये दो इवेंट चले जा रहे हैं। इससे पहले बोलना है पास आने की प्रोबेबिलिटी का बताओ कब, तो ये पता है क्या आ रहा है ऑड नंबर, क्या आ रहा है। तो अब बताओ ऑड नंबर दे देते हैं जी, हम भी पॉइंट में बोला कि आपको डेटा देने का वक्त भी मतलब कि अब पास आने की चांस है, अब पास आने की चांस है भाई, ये कंडीशन आ गई। अब हम सारे चेक करेंगे, तुम्हें पता है कि ऑड नंबर क्या बताओ, क्या नाम है ऑड नंबर क्या आता है 135, अब तो फाइव के आए उसमें चल रहा है फाइव आने के चांस क्या हो गए 1/3। तो यहाँ पे क्या है कि 1/3, अब इसको निकालने के अंदर तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इतना अपन दिमाग में लगा कि इस फॉर्मूले को वैल्यू शूट करके क्या आप उसी फॉर्मूले में सारे चीजें हैं। आप एक फॉर्मूला ले रहे हैं पी ऑन ई बी वन एफ equals to P of A intersection F on P of F, where P of F is not equals to P, the zero is the name of the user. So, you put a formula in direct function. But the question is P of E given F. Write the determinant is E. Now, F goes to F. So, आपको पहले अलग-अलग event निकालते हैं E of F. पहले ये इवेंट का गेटिंग फाइव ये पास आने का पास के बाद तो एक बार तो पर सी इवेंट क्या है पांच आ रहा है, क्या आ रहा है। एफ इवेंट क्या था गेटिंग ऑड ऑड नंबर 1/3। अब आपको पहले निकलना है ई क्या है एफ क्या है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होते हैं पास इधर इंटरसेक्शन निकालना, क्या निकालना कॉमन पास। बताओ जरा क्या है, चार इवेंट के लिए तो बस दो इवेंट ई
ये इवेंट है जिसका आ रहा है वो तो
6
एक इवन बी अप्लाई करो फॉर्मूला इक्वेशन निकाल के 0.32
क्या लिखेंगे 0.0 और p of t में मतलब 0.5 तो लिखेंगे 0.5 t y कितना गया 2/3 कर दो 0.64 here last the third part है P of A union B. ये लिखा होगा तो फॉर्मूला क्या P of A plus P of B plus A plus A B. सारे लिखी हुए हैं P of A कितना है 0.2 P of B 0.5 minus 0.32 ये आठ पांच इतना जीरा
P of A intersection B आ जाएगा आपके पास 2 by pi divide करना है ऊपर multiply में I want to answer तो बना क्या होगा multiply by 2 by intersection B आ गया और P of A आ गया क्या निकाला है union union का form क्या होगा P of A P of B P of A intersection. Any problem? P of A value kya hai? 5/26. P of B kya hai? 5/23. Intersection kya hai? 2y. 5/26 aa jayega LCM. 5 + 13 = 10. Minus. Thank you.